पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक के बीच कांग्रेस के द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी ने बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें, आने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब कांग्रेस की कमान फिर से एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने होगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि पंजाब में इस वक्त कांग्रेस के पास कैप्टन के अलावा ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो अपने दम पर पार्टी को जीत दिला सके। अगर मौजूदा स्थिति पर नज़र डालें तो कैप्टन समर्थक खेमे में ही नहीं बल्कि नाराज खेमे में भी ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई देता जो 2022 के चुनाव में अपने दम पर पूरे पार्टी को संगठित कर सके और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। वहीं नाराज खेमे के नेताओं की बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू और सांसद प्रताप बाजपा के अलावा विधायक परगट सिंह और कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा में भी इतना दमखम नहीं है कि राज्य के अंदर कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा पार करा सके। वहीं कमेटी के प्रमुख सदस्य और पंजाब प्रभारी हरीश रावत पहले ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक पंजाब में कैप्टन ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में यह देखना होगा कि नाराज खेमा यानी नवजोत सिंह सिद्धू अब क्या करते हैं। जुड़े रहिए SBN9 न्यूज से। धन्यवाद।